अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सीज़न नेम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि C3 IS 9 चेंज होने वाला है C4 IS 1 में, यानी C3 IS 10 नहीं आएगा, अब आएगा C4 IS 1, जो कि रिलीज डेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यार, आप लोगों का बहुत बहुत सारा थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए। पिछले एक महीने से हमारे चैनल ने ऐसी दौड़े लगाई हैं, इतने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ आए हैं कि पिछले 2 साल में जितनी मेरी मेहनत की थी उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो, हर रिलीज़ डेट मैं आपको बड़े बड़े यूट्यूबर से पहले बता देता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, किसी यूट्यूबर ने आपको रिलीज़ डेट के बारे में नहीं बताया होगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये 2.4 अपडेट जो कि 6 जनवरी को अपडेट आने वाली है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो आप उसी की देख रहे हैं। मैं आपको रिलीज़ डेट के बारे में बताता चलूँ, C4 IS 1 अपडेट के बारे में, यानी सीज़न के बारे में। अपडेट तो 6 जनवरी को आ जाएगा, जबकि सीज़न स्टार्ट हो जाएगा 17 जनवरी को। ऑफिशियली रिलीज डेट मैं आपको बताने लगा हूँ, ये किसी भी यूट्यूबर ने आपको आज से पहले नहीं बताया होगा। ये वीडियो अपलोड होगी 31 दिसंबर को, जनवरी जब स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पता है ऑलरेडी रिलीज डेट के बारे में, तो आप ये कमेंट ना कीजिएगा कि भाई ऑलरेडी हमें पता था, 31 दिसंबर को या 31 दिसंबर से पहले किसी ने भी ये नहीं बताया कि ऑफिशियल रिलीज डेट 17 जनवरी है। अब हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन अपडेट आगे पीछे हो सकता है। सीजन का ऑफिशियल डेट अगर 17 है तो 17 को ही रिलीज होगा। बाकी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एक न्यू गन आने वाला है, जो कि मेरे ख्याल से आप ये वीडियो देखेंगे तो ये अपडेट भी आ चुका होगा और इसको आप काफी एंजॉय भी कर रहे होंगे। बहुत सारी चीजें जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी वीडियोज में, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। रॉयल पास के बारे में भी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कंप्लीट रिलीज वीडियो जो है वो एक दो दिन में आ जाएगी, जिसमें मैं आपको सारे इमोट और जितने भी सूट है वो HD वीडियो होगी, आपको मैं 3D इमोट के साथ साथ दिखा दूंगा। रिलीज डेट के बारे में भी उसी में मैं आपको बता दूंगा कि भाई रॉयल पास कब आएगा। लेकिन मैं बताता चलूं कि जब सीजन स्टार्ट होगा तब आपका टायर चेंज होगा। बहुत लोग जो है न्यू है मेरे चैनल पर, तो वो यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम कब तक कंकरर पुश कर सकते हैं या रैंक पुश कर सकते हैं। तो जब तक न्यू सीजन नहीं आता तब तक आपका टायर यही रहेगा, आप स्टिल कंकरर पुश कर सकते हो अगर आपके कुछ पॉइंट रहते हैं। जब तक न्यू सीजन स्टार्ट नहीं होता तब तक आप रैंक भी पुश कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और आपका टायर जो है वो न्यू नहीं होगा। C4 IS 1 जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका टायर स्टार्ट से हो जाएगा, यानी डायमंड से होगा या आपका गोल्ड 1 होगा। तो उसके बाद आपने न्यू सीजन के लिए रैंकिंग स्टार्ट करनी है, सोलो में करनी है, डो में करनी है या आपने स्क्वाड में करनी है, तब आपने रैंक पुश करना है, चाहे आपने AS करना है या कंकर करना है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 2.4 अपडेट 6 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी iOS वालों के लिए, यानी iPhone और iPad वालों के लिए एक दिन लेट स्टार्ट होती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। बाकी उस पर भी मैं वीडियो बना लूंगा। जिन लोगों का अपडेट प्रॉब्लम आती है एक दो दिन पहले, यानी जब स्टार्ट हो जाता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनका अपडेट शो नहीं होता, या iPhone वालों का जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो मैं आपको एक डायरेक्ट लिंक दूंगा जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अपडेट शो भी हो जाएगी और इजीली आप अपडेट कर सकेंगे। बाकी अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।